सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार है। आज इस वीडियो में हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम आपको जो सेकेंड यूनिट है आपकी, ठीक है, इलेवेंथ की जो सेकेंड यूनिट है, यूनिट नंबर दो, ठीक है, इकाई नंबर दो जो है आपका सरल रेखा में गति, ठीक है। सरल रेखा में गति जो फर्स्ट चैप्टर नंबर थर्ड है आपका, उसको हम पढ़ेंगे कि सरल रेखा में गति क्या होती है, ठीक है। काइनेमेटिक्स जो होता है उस चीज उसमें ये इम्पोर्टेंट होता है, काइनेमेटिक्स का जो, ठीक, मतलब गति विज्ञान के अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैकेनिक्स को, यांत्रिकी को हम समझते हैं कि यांत्रिक्स क्या होता है, यांत्रिकी क्या होता है। तो यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है, या कह सकते हैं कि बहुत पुरानी शाखा है, जिसके अंतर्गत हम किसी वस्तु की गति के बारे में अध्ययन करते हैं। यदि वस्तु स्थिर अवस्था में है या फिर गतिशील अवस्था में, दोनों ही अवस्थाओं में क्या किया जाता है, अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक्स जिसको हम बोलते हैं, तो स्टैटिक्स में हम रेस्ट मोशंस के बारे में हम बात करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पार्टिकल्स के लिए। और जो आपका डायनामिक्स होता है, तो डायनामिक्स में हम गति विज्ञान के बारे में जानते हैं, मतलब गति के बारे में जानते हैं, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो उसकी गति का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो क्लियर है आप लोगों को कि भाई जो काइनेमिक्स होता है, ठीक है, तो वो काइनेमिक है ना, बहुत बड़ी ब्रांच होती है फिजिक्स की, ठीक है। पर उससे पहले ये सारी चीज़ें काय में आती हैं, मैकेनिक्स में आती है, मतलब आपका यांत्रिकी में आती है। तो यांत्रिकी को याद रखना है, भौतिकी की पुरानी शाखा होती है, ठीक, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हुआ है, ठीक है। यांत्रिकी को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है स्टैटिक्स और एक होता है डायनामिक्स, ठीक है। तो डायनामिक्स स्टैटिक्स में क्या होता है, हम किसी भी वस्तु या ऑब्जेक्ट की स्थिर अवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं ना, स्थिर अवस्था जो होती है। अब स्थिर अवस्था और गतिशील अवस्था किसको बोलेंगे, या इसके पहले हम समझते हैं कि मोशंस क्या होता है, गति क्या होती है। यदि कोई भी वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपनी स्थिति को परिवर्तित करता है, मतलब अपनी स्थिति बदलता है, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, गति अवस्था है उसकी, या फिर गतिशील अवस्था में आता है, ठीक। तो स्टैटिक एंड डायनामिक्स में आपको समझ में आया, क्या बताया मैंने आपको कि स्टैटिक्स क्या होगा या फिर डायनामिक्स क्या होगा। फिर डायनामिक्स को और वापस दो भागों में बांटा गया है, एक डायनामिक्स होगा और एक क्या होता है, शुद्ध मतलब एक गति की, शुद्ध गति की, और एक क्या है, गति विज्ञान होता है, ठीक है, मतलब प्रॉपर डायनामिक्स प्रॉपर होता है, ठीक है। तो मतलब एक इसमें क्या किया जाता है, किसी भी वस्तु, अगर कोई भी वस्तु अगर गतिशील अवस्था में है तो केवल उसकी गति का अध्ययन किया जाता है, परंतु वो किन कारण से गति कर रही है, ये चीज़ें हम किस में जानते हैं, डायनामिक्स प्रॉपर में जानते हैं। तो शुद्ध गतिकी में, शुद्ध गतिकी में हम उस कारण का भी पता लगाते हैं जिसके कारण गति हो रही है, और इसके लिए हमको अलग अलग पैरामीटर्स लगते हैं। तो कौन कौन से पैरामीटर्स हमको लगेंगे इस अध्याय में, तो हमको चाहिए होगा विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होता है, ठीक है, उसके बाद में त्वरण क्या होता है, वेग क्या होता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हमको लगेंगी, इनमें अंतर पूछे जाते हैं आपको, तो अंतर भी हमको पता होना चाहिए कि भाई विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है, वेग और चाल में क्या अंतर है, ठीक है, मतलब स्पीड आपकी और वेलोसिटी दोनों में क्या अंतर है, और उसके बाद में त्वरण क्या होता है। इनके विमीय सूत्र के मातहत तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्या होते हैं, अब उन राशियों को जानेंगे कि ये क्या होती है, ठीक है। तो चलते हैं फिर ना, तो पहले कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि रेस्ट किसको बोलेंगे, मतलब विरामावस्था में क्या हो, विरामावस्था किसको बोलते हैं और गतिशील अवस्था किसको बोलते हैं। यदि कोई वस्तु है तो वह अपनी स्थिति परिवर्तित करने में क्या है, असमर्थ है, ठीक है, मतलब खुद होकर अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं कर पा रही, तो उसको हम रेस्ट पोजिशन बोलते हैं। या फिर गतिशील अवस्था में यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है तो हम उसको बोलते हैं गतिशील अवस्था, ठीक है। तो स्थिति मतलब रेस्ट पोजिशन किसको बोलेंगे और मोशन की पोजिशन किसको बोलेंगे, ठीक। उसके बाद में जड़त्व, सॉरी निर्देश तंत्र किसे कहते हैं, तो निर्देश तंत्र भी एक यहाँ पर हमको लगेगा। तो निर्देश तंत्र क्या होता है, तो एक ऐसा तंत्र जिसके सापेक्ष हम उस वस्तु की गति का अध्ययन कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं निर्देश तंत्र, ठीक है। मान लीजिए कि आप, ठीक है, एक व्यक्ति है जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर क्या है, बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसके सामने जो मतलब रेलवे ट्रैक पर एक गाड़ी, रेलगाड़ी खड़ी हुई है, तो वो क्या लगेगी, उसको एक स्थिर अवस्था में लगेगी, ठीक है। परंतु अगर हम कहें कि अगर वही व्यक्ति किसी मतलब प्लेटफॉर्म पर दौड़ती हुई रेलगाड़ी को अगर देखता है, तो उसको गतिशील अवस्था में लगेगी। ये तो बात होगी रेस्ट और गतिशील अवस्था की, ठीक है। तो हम जब वो दूरी ट्रेवल्स करेगी,
रेलगाड़ी, ठीक है। तो रेलगाड़ी की जो लेंथ होगी उसको हम एक रेफरेंस पॉइंट बता सकते हैं ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं उसको, निर्देश तंत्र मान सकते हैं, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, उसका अध्ययन किया जा सकता है। तो दो प्रकार के निर्देश तंत्र होते हैं, एक होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, एक होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। दोनों तंत्र आपको याद रखने हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होगा, तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है ना जिसमें न्यूटन के नियम लागू किए जाएंगे, ठीक है। न्यूटन के नियम अगर आपने पहले पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको न्यूटन के नियम सबसे पहले समझना होगी क्या होता है, तो न्यूटन के नियम इसके आगे हम पढ़ेंगे, ठीक। तो सिर्फ आप परिभाषा याद रखिए कि वे तंत्र जिसमें न्यूटन के नियम लागू होते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है, और वे तंत्र जिसमें न्यूटन के गति के नियम लागू नहीं होते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दूरी विस्थापन की, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं विस्थापन, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, और एक होता है दूरी, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है। तो विस्थापन और डिस्टेंस, ठीक है, तो ये चीजें क्या होती है भाई, ठीक। तो चलिए बात करते हैं पहले विस्थापन की, बात कर लेते हैं। तो विस्थापन मतलब कोई अगर ऑब्जेक्ट है, कोई अगर आपका पार्टिकल से कण है, तो वो अगर ना दूरी ट्रेवल्स कर रहा है, मतलब कोई एक पाथ पर आता है, गति कर रहा है, तो उन पाथ पर दो बिंदुओं या फिर प्रारंभिक और अंतिम है ना बिंदुओं के जो बीच की दूरी होगी, वही हम क्या कह लेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। मतलब जब आप अपनी यात्रा प्रारंभ करते हो किसी पॉइंट से, और जिस पॉइंट पर या फिर जहां पर आपका डेस्टिनेशन होता है वहां पर अगर आप पहुंच जाते हो, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी हम उसको बोलेंगे विस्थापन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक गाँव से दूसरे गाँव जाना है बट स्ट्रेट फॉरवर्ड में, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था। तो प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं के बीच की जो दूरी होती है उसी को विस्थापन बोल देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है, बी है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या होगी, दूरी क्या होगी, विस्थापन कहलाएगा, ठीक है। परंतु यहाँ पर जो दूरी होगी, दूरी होगी, तो दूरी क्या होती है, ये जो पाथ आप ट्रेवल कर रहे हो है ना उस पर निर्भर करती है, मतलब जो पाथ होगा उसी पर क्या करती है, दूरी निर्भर करती है, ठीक है। तो एकांत समय में चली गई ना जो पाथ की लंबाई होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं ना। तो पाथ की लंबाई को हम क्या बोलेंगे, दूरी, ठीक है। तो पाथ की लंबाई को दूरी बोलते हैं, दूरी हमेशा क्या होगी, धनात्मक होती है। दूरी क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है ना, ये नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। और उसके बाद में विस्थापन जो होता है, तो विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो तीन प्रकार का विस्थापन हम देख सकते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। अब आप बात करोगे कि शून्य कैसे होगा भाई, ठीक है, तो हम उसको भी देखेंगे, वो भी आपका डाउट क्लियर करवाएंगे कि शून्य कैसे होता है, ठीक है। अब मैंने बोल दिया, ठीक, अब यहाँ पर जो विस्थापन होता है वो दूरी से छोटा या फिर दूरी के कैसे होगा, बराबर होगा ना, दूरी से ज्यादा नहीं होता है, परंतु जो दूरी होती है वो विस्थापन से ज्यादा होगी या फिर उसके बराबर होगी। दूरी जीरो नहीं हो सकती है, ठीक है, या विस्थापन से कम नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना है आपको। यहाँ पर दो राशियां मतलब विस्थापन अगर है, तो विस्थापन कौन सी राशि होती है, एक सदिश राशि होती है, ठीक है। अब ये भी चीजें समझ लेने जैसी है कि सदिश राशि किसको बोलेंगे और अदिश राशि किसको बोलेंगे, ठीक है। तो सदिश राशि या फिर सदिश राशियां वे राशियां होती है जिनको व्यक्त करने के लिए हमको परिमाण के साथ साथ दिशा बताने की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्या याद रखेंगे आप सदिश राशियों के बारे में, सदिश राशियां वे राशियां होती है जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा बताने की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी सदिश राशियां हो, तो विस्थापन है ना, मतलब वहां पर विस्थापन, ठीक, परिमाण तो है परंतु ना डायरेक्शन भी हमको लगेंगी, इसलिए हम विस्थापन को सदिश राशि मानते हैं, ठीक। उसके बाद में जो आपकी वेलोसिटी है ना, वेग जो है वो भी एक सदिश राशि है, बल जो है वो भी एक सदिश राशि है,
इसमें बहुत सारी राशि आपको मिल जाएंगी जिनको व्यक्त करने के लिए हमको परिमाण के साथ साथ दिशा बताने की भी आवश्यकता होती है। ठीक, अगली बात है दूरी की, है ना। तो दूरी कौन सी राशि है या फिर अदिश राशियां क्या होती है? तो अदिश राशियां हम उन राशियों को कहते हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है हमको, उसकी डायरेक्शन बताने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी राशियों को हम बोलते हैं अदिश राशियां। क्या बोलते हैं? अदिश राशियां। कौन कौन सी अदिश राशियां होती है? तो आपका है दूरी भी क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, उसके बाद में जो डेंसिटी है वो भी एक आपकी अदिश राशि है, विद्युत करंट है तो वो भी एक क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, स्पीड है, चाल है तो चाल भी एक अदिश राशि है। तो ऐसी बहुत सारी राशियां हैं जिनको सिर्फ हम परिमाण के द्वारा ही बता सकते हैं, इनके बताने के लिए हमको दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अब इनमें कुछ अंतर। मैंने आपको बताया वही आप पॉइंट बनाकर आप अंतर लिख सकते हो विस्थापन और दूरी में। ठीक है, अब बात करते हैं हमको डायग्राम से हम कैसे समझ सकते हैं विस्थापन क्या होगा, दूरी क्या होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक, अब यहाँ पर एक पोजीशन लेते हैं, एक स्थिति लेते हैं जिस पर हमारा ऑब्जेक्ट रहा होगा ए स्थिति पर। तो ए से चलकर जब वो वापस ए पर आ रहा है, ठीक है, तो ए से चलकर वापस ए आ गया। ठीक, मतलब इसका जो पाथ होगा, ठीक, तो इसकी प्रारंभिक अवस्था भी ए थी और अंतिम अवस्था भी ए थी। ठीक है, तो हमको विस्थापन के लिए क्या चाहिए होता है, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था का अंतर हम लेते हैं, उसी को हम विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो क्या था, अंतिम अवस्था भी वही है और प्रारंभिक अवस्था भी वही है, इसलिए यहाँ पर विस्थापन क्या हो गया, जीरो हो गया, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो, परंतु विस्थापन दूरी यहाँ पर जीरो नहीं होगी। दूरी क्या नहीं होगी, यहाँ पर जीरो नहीं होगी, क्योंकि दूरी किस पर निर्भर करती है, तय किए गए पाथ पर निर्भर करती है। ठीक है, मतलब जो पाथ आपने ट्रेवल्स किया उस पर निर्भर करेगी। और ये आपको एक सर्कल दिख रहा है, एक वृत्त दिख रहा है, और वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr। क्या होती है वृत्त की परिधि, 2πr। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दूरी होगी वो होगी 2πr, परंतु विस्थापन क्या होगा, जीरो। तो विस्थापन क्या होगा यहाँ पर, जीरो। ठीक है, वापस हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल अगर हमने लिया, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ से ए से कोई व्यक्ति ना बी पर जा रहा है, तो एक तो एक स्ट्रेट लाइन से गया, एक कुछ इस रास्ते से गया और एक कुछ इस तरीके से गया। अब यहाँ पर विस्थापन मान लीजिए कि यहाँ पर जो पाथ है वो अलग अलग पाथ हमने बोल दिए कि पाथ पी वन है, पी टू और पी थ्री है ना, अलग अलग पाथ के लिए। ठीक, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है और दूरी आपको बताना है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और दूरी क्या होगी, तो हम यहाँ पर पाथ की हम लंबाई ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये है आपकी 20 सेंटीमीटर की है, ये 10 सेंटीमीटर की है और ये क्या है आपका 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका विस्थापन क्या होगा, तो यहाँ पर इसका विस्थापन मतलब जो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था है उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट दूरी होगी ना, सबसे कम दूरी को ही हम विस्थापन बोल सकते हैं, अगर सिंपल सी भाषा में अगर हम कहें तो। ठीक, तो यहाँ पर ए से बी पर जो शॉर्टेज डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 है। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर इसका क्या होगा, विस्थापन होगा, परंतु दूरी 10 सेंटीमीटर है ना। दूरी कौन कौन सी होगी, तो दूरी तीनों ही होगी ना, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, ये तीनों ही दूरियां हैं, परंतु विस्थापन हमको केवल और केवल एक ही मिल रहा है, और वो जो विस्थापन है वो है ए और बी के बीच की दूरी। ठीक है, तो इस तरीके से हम विस्थापन को समझ सकते हैं। फिर वापस से रिकॉल करते हैं एग्जांपल को कि मान लीजिए कि यहाँ से लेकर एक व्यक्ति यहाँ पर गया बी पर। ठीक, अब यहाँ पर हमको विस्थापन क्या, ए और बी के बीच का विस्थापन, मतलब फोर्थ ऑफ सर्कल अगर हम करें, मतलब एक चौथाई भाग की बात करें कि एक चौथाई वो ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, ये साइकिल का पहिया है और सिर्फ मान लीजिए कि इतना ही वो ट्रेवल कर रहा है। ठीक, तो यहाँ से हमको मान लीजिए कि इसका सेंटर क्या है, O है, और रेडियस क्या है इसकी, R है। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस तो सेम रहेगी, मतलब त्रिज्या सभी जगह क्या होती है, सेम होती है, आपको पता है। ठीक, अब यहाँ से हमको विस्थापन के लिए प्रारंभिक और अंतिम अवस्था की आवश्यकता होती है, तो इस प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं को जोड़ दिया हमने। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये एंगल जो क्रिएट होगा वो 90 डिग्री
ठीक है, कितने का क्रेड होगा भाई, 90 डिग्री का, 90 अंश का बनेगा। अब यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है यहाँ पर कर्ण का वर्ग, ये वाला जो कर्ण हो जाएगा ठीक, तो कर्ण का वर्ग क्या आएगा, तो रूट में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2r स्क्वायर, इसका मतलब कर्णी 2r, तो यहाँ पर जो दूरी होगी वो सॉरी विस्थापन जो होगा वो क्या होगा, कर्णी 2r होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम विस्थापन और दूरी को समझ सकते हैं कि विस्थापन क्या चीज होती है और दूरी क्या चीज होती है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, दूरी हमेशा तय किए गए पाथ की लंबाई पर निर्भर करती है, परंतु विस्थापन जो है वो उसकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है प्रारंभिक और अंतिम अवस्था क्या होती है, ठीक, प्रारंभिक मतलब जहां से वो स्टार्ट करता है अपनी जर्नी, जहां से अपनी यात्रा स्टार्ट करता है वो, और जहां डेस्टिनेशन, आखिरी डेस्टिनेशन जो रहता है वहां, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि विस्थापन क्या चीज होती है और दूरी क्या चीज होती है, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे अगले लेक्चर्स में स्पीड और वेलोसिटी की, है ना, चाल और वेग के बारे में, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच सभी।